वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अभी अभी विक्रम मूवी के ट्रेलर को रिलीज किया गया। ट्रेलर मैंने देखा और यार मैं शॉक्ड रहा कि ट्रेलर को बिल्कुल दोस्तों डिसेंट वे में बनाया गया है। मींस के ट्रेलर के मिड तक सिर्फ और सिर्फ तीनों करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कमाल हसन को, फहद फाजिल को और साथ विजय सेतुपति को। तीनों करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और मैं मिड तक सोचता रहा, मुझे ऐसा लगा कि अब ट्रेलर में कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर करेक्टर को इंट्रोड्यूस ही कराया गया है। लेकिन जैसे ही मिड गुजरता है और लास्ट के 30 सेकंड्स आते हैं तो हर एक्टर की तरफ से, कमाल हसन ले लो, विजय सेतुपति ले लो या फहद फाजिल ले लो, तीनों का एक्शन स्टार्ट होता है और जो एक्शन सीन्स लिए गए हैं नेक्स्ट लेवल। लेकिन मुझे ये बताओ इसको देखे क्या लगा, वो जो कमाल हसन पकड़ के इस तरह फायर कर रहे थे, इसको देखे क्या माइंड में आया, मैं बताऊंगा नहीं बोलूंगा नहीं। आप लोगों ने, आपके आपके माइंड में जो भी आया आपने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है। हाँ, ट्रेलर के अंदर दोस्तों जो सबसे फिट सीन मुझे लगा है बहुत कमाल का, विजय सेतुपति का सीन है। वो जब गन को इस तरह करते हैं और गन में से दो बुलेट्स निकलती हैं, खोखा बोलते हैं क्या बोलते हैं जो भी, लेकिन वो जो जिस तरीके से निकलती हैं स्लोमो, वो मुझे बहुत पसंद आया। सेकेंड दोस्तों, ट्रेलर का अगर आपने BGM चेक किया हो, BGM दोस्तों बिल्कुल एक्शन वाला नहीं था। मींस के एक्शन वाला था, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन एक वो होता है ना रॉकिंग हिट पॉप वाला म्यूजिक जो होता है दोस्तों, वो चल रहा था पीछे। और उसके आगे जो इन्होंने एक्शन को मैच किया है, जो सिंक किया है, क्रेजीपन, टोटली की टोटली क्रेजीपन। नो डाउट अगर मैं बात करूँ कमाल हसन की, आउटस्टैंडिंग एक्टिंग थी। अगर मैं बात करूँ फहद फासिल की, तो मुझे ट्रेलर के अंदर कमाल की एक्टिंग लगी है। लेकिन विजय सेतुपति यार आउटस्टैंडिंग है वो बंदा, वो इसकी एक लुक ही, मींस कि वो डायलॉग डिलीवरी को छोड़ो, वो जिस तरीके से खड़ा होता है, जिस तरीके से उसका एक्शन स्टाइल होता है, वो देख ही बंदा उसका फैन हो जाता है। और मुझे ट्रेलर के अंदर भी जो सबसे ज्यादा चीज, मींस की एक्टिंग पसंद आई है, वो विजय सेतुपति की थी। ऑलमोस्ट दोस्तों 2 मिनट एंड 38 सेकंड की ड्यूरेशन थी और ट्रेलर को सेम, अब ये नया ट्रेंड चला है। मींस कि पहले दोस्तों बिल्कुल सिंपल ट्रेलर होता है, जाते 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 एंड पे फुल फाइट सीन हो जाता है। सेम दोस्तों इस ट्रेलर में भी कुछ ऐसा है। ट्रेलर के स्टार्ट में सबर हर करेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और जो करेक्टर जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो वे बड़े कमाल का था। हर एक्टर को प्रॉपर एक्शन स्टाइल के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि चीज बड़ी ही कमाल की थी। खैर दोस्तों, June 3rd को आने वाली है विक्रम मूवी और आप लोगों को इसका कितना वेट है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। हिंदी में अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, मुझे नहीं कंफर्म कि ये हिंदी में भी आ रही है या नहीं, लेकिन जहां तक मुझे पता ये हिंदी में नहीं आ रही। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैंने कहीं पर भी नहीं देखी और ना ही मुझे लगता है कि ट्रेलर हिंदी में आ रहा है। मैंने इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज का ही ट्रेलर देखा है। खैर दोस्तों, ट्रेलर आप लोगों को कैसा लगा, मुझे बिल्कुल डिसेंट और परफेक्ट ट्रेलर लगा। आप लोग कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। खैर दोस्तों, यही थी अभी तक की छोटी सी वीडियो, होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो तो रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अल्लाह हाफिज़।